रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दर्शकों, श्री राम का मनोहर स्वरूप और अनंत महिमा भक्तों के दुख हर लेता है। इसी महत्व के मद्देनजर वर्धमान नगर से देशपांडे लेआउट में श्री रामचरितमानस अखंड रामायण पाठ का आयोजन त्रिपाठी परिवार द्वारा किया गया था। गौरतलब है कि अपने नाती के जन्मदिन के मौके पर त्रिपाठी परिवार के मुखिया राम संभार त्रिपाठी ने श्री रामचरितमानस एवं अखंड रामायण पाठ का संकल्प लिया था। उसी अनुरूप मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी यानी 25 दिसंबर को पाठ का आयोजन किया गया था, जिसका समापन मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा अर्थात अंग्रेजी तारीख के अनुसार 26 नवंबर को किया गया, जहां समापन के दिन हवन एवं महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। इस समय ब्रह्मवाणी एवं वैदिक मंत्र वाणी द्वारा रामायण पाठ का समापन सम्पन्न किया गया। इस आनंदमयी बेला पर मंगल गीत गाते हुए त्रिपाठी परिवारजन नजर आए, जिसके बाद आनंद आरती कर इस पर्व का समापन किया गया। जिसकी जानकारी देते समय आयोजक राम संभार त्रिपाठी ने प्रभु राम को इस आनंदमयी जीवन के लिए धन्यवाद दिया, तो इस आयोजन के आनंद संजोग के विषय में बताया। आज इस देश पांडे लेआउट बस्ती में अखंड रामायण का पाठ शहर के विद्वानों द्वारा रामायण पाठ किया गया। इसका मेन उद्देश्य बस्ती में धार्मिक वातावरण तैयार करना, और ये धार्मिकता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हरदम प्रतिवर्ष ये प्रोग्राम लेने का निर्णय किया है। आज हमारे द्वितीय पुत्र माननीय सुनील त्रिपाठी, उनका प्रथम पुत्र, उसका चौथा जन्मदिन है, एक दूसरा निमित्त। तीसरा निमित्त, आज ये जमीन हमारा बाजू का घर है, ये जमीन खरीदी गई है। इस जमीन पर भवन निर्माण के लिए भी एक कार्यक्रम हुआ है, जिस ये केवल भर जमीन हम संघ के कार्यकर्ता, मैं यहाँ पे संघ चालक रह चुका हूँ, अभी 2 वर्ष पहले मैं मुक्त हुआ हूँ, तीसरा वर्ष है। बचपन का स्वयं सेवक, कक्षा 4 से पढ़ता तब से अभी तक, और लोहे का व्यापार सर्विस करने के बाद जो इकट्ठा हुआ, बच्चों को पढ़ाया, सर्विस कहीं करने नहीं दिया, और आज हमारा व्यापार ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। और भगवान से उम्मीद करता हूँ, जिस तरीके से समाज का सहयोग मिला है, मैं पूरे ब्राह्मण समाज का भी अध्यक्ष हूँ, स्टील मर्चेंट एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ, पीछे और एक स्कूल भी चलाता हूँ, RST पब्लिक स्कूल, पीछे 15 से 30 साल अलग अलग निर्विरोध हमेशा निर्वाचित होते गया हूँ। आगामी 22 तारीख को जो है रामलला, रामलला के वहाँ आमंत्रण नहीं हुआ है, यहाँ अक्षत आया हुआ है। यहाँ देश पांडे लेआउट में हनुमान जी का मंदिर है, देश पांडे लेआउट में ही वहाँ शाखा लगती है, उस जगह पे बस्ती के सभी लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ रामायण सुंदरकांड का पाठ निश्चित किया हुआ है। राम जी के वातावरण को वहाँ अयोध्या में मना किया हुआ कि वहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, नहीं तो हम लोग 200-400 की संख्या में जाने वाले थे, लेकिन वहाँ से ऐसा आदेश है कि भीड़ बहुत हो जाएगी, इसलिए अच्छत भेजा गया मंदिर में। यहाँ देश पांडे लॉट में 1, 2, 3, 4 मंदिरों में अलग अलग जगह पे अच्छत रखे गए हैं, और संघ के लोग, समाज के लोग उसमें बहुत अधिक उत्सुकता पूर्वक ध्यान दे रहे हैं और भाग ले रहे हैं। मैं राम संभार, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, अयोध्या से नज़दीक करीब 70 किलोमीटर पहले सुल्तानपुर जिला मेरा है। पढ़ाई लिखाई करके पहले मैंने सर्विस किया, फिर लोहे के व्यापार में आया, और ये व्यापार भगवान की क्या कृपा है ये तो नहीं बोल सकते, बहुत 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 शांति है मन को, इतना उपलब्ध हुआ है। आज का वातावरण देख के और आप लोगों का जो सहयोग देख के मन बहुत प्रसन्न है, मैं भविष्य में समाज सेवा ऐसे ही करता रहूंगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।